Good morning, students. Myself, Pradeep Sharma, your SST teacher. Today, we will start the remaining portion of your first SST chapter, The Rise of the Nationalism in Europe. इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये बात कहना चाहेंगे, जो भी हमने क्लास में अभी तक टॉपिक्स क्लियर किए हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपकी पहली नॉलेज और आपकी प्रेजेंट की नॉलेज दोनों आपकी एक जगह आ जाए, ताकि आप उससे आराम से समझने में कोई परेशानी ना क्रिएट करें। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका रिविजन हम करते हैं। फर्स्ट टॉपिक वाज द फ्रेडरिक सरियू पेंटिंग सीरीज। आपने जैसा पढ़ा होगा कि फ्रेडरिक सरियू, हु वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट, उसने चार पेंटिंग सीरीज बनाई थी, उसमें अपने जितने भी ड्रीम थे उसको विजुलाइज किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसी में आपके दो आपके इम्पोर्टेंट की वर्ड्स भी आए थे उसमें, एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर नेशन स्टेट अर्नेस्ट रेनान। आपको मालूम है मिड 18th सेंचुरी तक की बात करें, तब तक कोई नेशन स्टेट की डेफिनेशन ही नहीं थी कि नेशन स्टेट क्या होता है। सभी राजा हुआ करते थे, किन्हीं लोगों में एक कलेक्टिव सेंस की एक सेंस नहीं थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी कोई सेंस ही नहीं थी, क्योंकि आज ये पार्ट जो इस राजा के हाथ में, कल दूसरे के राजा के हाथ में चला जाएगा। तो इस प्रकार से तो अर्नेस्ट रेनान ने स्टेट नेशन या नेशन स्टेट की जो आपको डेफिनेशन दी थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। थर्ड है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहा है, हमने इसको एक्सप्लेन किया था, हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज क्रिएट द सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी इन फ्रांस। उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए थे, ला पार्टी, ला सिटोयन, उसके बाद में एक, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था आपको द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसमें हमने कहा था किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने फ्रांस में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट किया था, क्या क्या उन्होंने फंक्शन किए थे, इसके बारे में आपको 7-8 पॉइंट दिए थे। इसमें जैसे पॉइंट था कि दे हैव टू बी थिंक द फादर लैंड, ला सिटोयन एंड ला पात्री, इसके बारे में हमने आपसे बात की थी। इसके बाद उन्होंने एक ट्राई कलर भी फ्लैग भी बनाया था, हेम्स भी न्यू बनाई थी। तो ये सारे रिफॉर्मेशन थे, ये सारी जो एक्टिविटीज थी इसके द्वारा ही फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव सेंस को जागृत किया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें हमने सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा था एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी के बारे में हमने आपको बताया था किस प्रकार से ऑल ओवर यूरोप के जो भी एरिस्टोक्रेट, जो बड़े लोग थे, वो किस प्रकार से अपने रिलेशंस रखते थे। दे हाउ टू बी यूज द कॉमन लैंग्वेज, इवन दो उसकी पूरे यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती थी, बट जो एरिस्टोक्रेट होते देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ द बाउंड्री, दे फॉलो द सेम ट्रेडिशन। तो उसके बाद में न्यू मिडिल क्लास स्टार्ट हुई। न्यू मिडिल क्लास ने सोचा कि बोला अभी ये लोग इतने बड़े लोग हैं, सभी एक जैसा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, लैंग्वेज करते हैं, इवन दो दे टाई अप विद द मैरिज रिलेशन, मैरिज के रिलेशन से वो टाई अप भी होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि व्हाई वी कांट बी मेक ए नेशन स्टेट, हम नेशन स्टेट क्यों नहीं बनाते, क्यों हम लोग क्यों सेम नहीं है। अगर वो सेम है, उनकी बाउंड्री को उनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करती, तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते, उन लोगों ने सोचा। तो उनकी सोच अलग ली। उसमें न्यू मिडिल क्लास में स्पेशल अलाइट्स हुआ करते थे। स्पेशल अलाइट्स में क्या होते थे, प्रोफेसर थे, टीचर थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास बोल सकते हैं आप उसको, वो लोग थे। उससे फिर आगे एक टॉपिक आया था लिबरलिज्म। क्या आया था, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के बारे में आपको बताया था कि लिबरलिज्म इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है फ्री, इसका मतलब है फ्री। ये उसके बारे में, अब फ्री की जो डेफिनेशन अगर आप बात करते हैं, वे फ्री की डेफिनेशन लिबरल की मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंस है। सबसे पहली बात अगर बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज की, रेवोल्यूशनरीज ने फ्री का मतलब क्या समझा, उनके लिबरलिज्म का मीनिंग क्या समझा, उनके लिए मीनिंग अलग था। दे वांट टू बी ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ द लॉ ऑल पर्सन शुड बी इक्वल, लाइक दैट। दूसरी चीज बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की बात करें, व्यापारी ट्रेडर्स की बात करें, भाई यूरोप में पहले बहुत सारे बैरियर्स थे, हर बैरियर्स पे उनको टैक्स देना पड़ता था, 5% 10% जो भी टैक्स देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि जो बैरियर्स हैं वो सारे रिमूव होने चाहिए, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस खत्म होना चाहिए। तो लिबरलिज्म को हमने यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन किया था। अब आता न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर द 1815 की जो डेट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1815 में आपका नेपोलियनिक वार का समाप्ति का एक डेट है जो आपको दिया गया वाटरलू के मैदान से। वाटरलू के मैदान में चार विशेष कंट्री यूरोप की जो बहुत स्ट्रांग कंडीशन में थी उस समय, पावर में थी, जिसमें आपको हमने BARP के शॉर्ट फॉर्म से आपको इंडिकेट किया था, बी फॉर ब्रिटेन, ए फॉर ऑस्ट्रिया,
आर फॉर अरसिया, पी फॉर प्रुशिया। इन सभी लोगों ने नेपोलियन को हराने के बाद में वियना में एक कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब सम्मेलन, गैदरिंग की, चारों ने गैदरिंग की कि किस प्रकार से कि भविष्य में इस प्रकार का जो फ्रांस ने किया है, नेपोलियन ने किया है, पूरा एक्सपेंशन किया है, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, मोनार्की को, एक्चुअलिस्ट को खत्म किया है, तो उसको दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए उन्होंने कांग्रेस किया वियना में 1815 में। तो उसके बारे में क्या, लेकिन एक बात आपको बताया था हमने, अगर कोई आप कोई भी खाने वाली चीज खा लेते हैं पहले तो उसका टेस्ट पता नहीं चलता है, लेकिन जब एक बार, दो बार, तीन बार जब आप उसको टेस्ट करते रहते हैं तो उसमें आपका जो टेस्ट क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार से जो रिफॉर्म्स नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे, लोग कुछ राइट्स भी दिए थे, दूसरी चीज उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस भी दिए थे, अब एम्बोलिशन बर्थ सारे बहुत सारे कुछ उनको काम किया था, तो उसके बेस पर कहा कि अब रिफॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं, कंजर्वेटिव तो होना चाहिए भाई, मोनार्की होनी चाहिए लेकिन उसमें कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो इसके बेस पर न्यू कंजर्वेटिव रिजाइन सेटअप, और जो कंजर्वेटिव सोच वाले थे, जो इस तरीके का सिस्टम चाहते थे, उन्होंने सोचा कि जो भी सिस्टम हुआ है, जो भी रिफॉर्म किया है नेपोलियन ने, वो तो मोनार्की के लिए बहुत अच्छा है और मोनार्की को कंसोलिडेट करेगा, पावरफुल बनाएगा। तो जैसे जैसे उन्होंने लोगों पर कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, जैसे कंसोलिडेट किया, अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू की, तो लोग इरिटेट होना शुरू हो गए, इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए। तो उसमें आता है रेवोल्यूशनरीज, क्या आता है रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज के बारे में बात करेंगे। 1815 के बाद कंजर्वेटिव ने, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, एक नेशन स्टेट बिल्ड करना चाहते थे, तो उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए उन पर, उनको बुरी तरीके से रिप्रेस किया गया। तो उन लोगों ने चोरी छुप के एक सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी, उसमें एक अहम नाम आता है, उसका नाम है जिप्सी मैंजनी, जिप्सी मैंजनी। उसी प्रकार से जितने भी रेवोल्यूशनरी चोरी छुप के उन्होंने अपने ग्रुप, सीक्रेट ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे उसने बर्न में एक बनाया था, यंग इटली बनाया था, उसके बारे में आपको हमने बताया है। अब आगे का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम ऑलरेडी, ये जो हमने आपको केवल एक थोड़ा सा रिविजन दिया है ताकि आगे के टॉपिक से आप अपने आप को कोऑर्डिनेट कर सकें। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, वो हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपका अभी जो हमने रिकॉल किया, इसके बाद में न्यू एक टॉपिक लेने वाले हैं, इसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1832-1848। आप समझ सकते हैं 48-30 यानी कि 18 ईयर्स का टर्नओवर है, उसके बीच में जो जो रेवोल्यूशन हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए इस टॉपिक का नाम द एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं। इसके बाद जैसे आपका रेवोल्यूशन कंट्रीज, अगर यूरोप की बात करते हैं, उसमें कहाँ कहाँ रेवोल्यूशन हुए, मोस्टली कंट्रीज आपका इटालियन जो पार्ट था, जो कई फ्रेगमेंटेशन में था, यानी कि कई पार्ट में बटा हुआ था, जर्मन स्टेट थे, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जो कि उस समय मुस्लिम एम्पायर था, आयरलैंड एंड पोलैंड, यहाँ पे सब पर, इवन दो ग्रीक की बात भी करें, इन सब की जो रेवोल्यूशन एक्टिविटीज हुई थी, इसीलिए इसको द एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया 1830। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता, अभी हम जो भी पार्ट करेंगे, पार्ट जितना भी चैप्टर हम पढ़ेंगे वो हम लाइन टू लाइन एज पर द क्लास सिस्टम के हिसाब से हम पढ़ेंगे, और आपको लाइन बाय लाइन, और जहां पर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक आता, पहला आपका पेज नंबर 13, टॉपिक 3, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830-1844 की बात करते हैं। इसमें एक कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राई टू बी कंसोलिडेट देयर पावर, जो कंजर्वेटिव से हमने कहा था, कंजर्वेटिव लोग ये सोचने लगे थे जो भी रिफॉर्मेशन हुए इससे मोनार्की को और पावर मिलेगा, तो उन्होंने अपनी पावर को मजबूत करना शुरू कर दिया। तो जब कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, कंसोलिडेट का मतलब है कि उनको मजबूती प्रदान करनी शुरू कर दी, तो लिबरलिज्म जो लिबरल लोग थे, और नेशनलिज्म जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो देश से प्रेम करते थे, उस मिट्टी से प्रेम करते थे, उन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उसकी कंट्रीज के नाम हमने बता दिए हैं, इटालियन, जर्मनी, प्रोविंसेस, ऑटोमन एम्पायर, सारे आपको बता चुके हैं। किस प्रकार से उन्होंने किया इसके बारे में पढ़ते हैं, बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब यहाँ पे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये लोग कौन थे, जिन्होंने कंजर्वेटिव रिजाइन को कंसोलिडेट कर रहा था, अपनी पावर को और मजबूत कर रहा था, उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया, ये लिबरल नेशनलिस्ट थे। ये लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे, ये न्यू एजुकेटेड, न्यू
एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास एलाइट थे। एलाइट का मतलब है कि स्पेशल पर्सन। अगर आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें कुछ स्पेशल स्टूडेंट भी है जिन्हें मेरिटोरियस बोल सकते हैं आपकी क्लास में, अगर पूरा स्टेट मान ले उसमें न्यू मिडिल क्लास है, आप सभी एजुकेटेड है, तो जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनको एलाइट्स बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से जो न्यू मिडिल क्लास अमर्ज हुई थी उसमें जो एलाइट थे उन लोगों ने इनका अपोज किया था। अभी न्यू मिडिल क्लास अमर्ज कहां से हुई थी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर रूरल एरिया से सिटीज में आ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था यूरोप में, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन हो गया था, प्रिंट में बहुत सारी बुकें डिफरेंट टॉपिक्स पर प्रिंट होने लगी थी, तो बहुत सारे लोग इसमें एजुकेटेड हो गए, वही मिडिल क्लास के रूप में एमर्ज। इसमें बहुत सारे जो एलाइट थे उसमें जैसे प्रोफेशनल्स, टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लास, ये सभी उसमें इन्वॉल्व होते थे। पैरा टू पर आ जाते हैं हम। द फर्स्ट अनहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। देखिए यहां पे फिर जुलाई 1830, जुलाई 1789, दोनों के दोनों जो भी रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए कहां से हुए, फ्रांस से हुए, कहां से हुए, फ्रांस से हुए। इसके बारे में आगे कुछ हम पढ़ेंगे। द बॉर्बन किंग हु हैड बीन, उस समय जब 1815 का वियना कांग्रेस हुआ था तो दोबारा से मोनार्की रिस्टोर कर दी थी फ्रांस में, क्योंकि नेपोलियन कहां के थे, फ्रांस के थे। दोबारा से मोनार्की करने के बाद में तो सबसे पहले जो रिवोल्यूशनरीज हुए उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, फ्रांस को ही फिर वहां से स्टार्ट किया उन लोगों ने। और फ्रांस में जो मोनार्किकल गवर्नमेंट थी, जो रिस्टोर की गई थी गवर्नमेंट, उसको उन्होंने ओवरथ्रोन कर दिया और उसकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दोबारा से स्टेब्लिश कर दी, ओवरथ्रोन द मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके हेड उन्होंने बनाया लुईस फिलिप को, आपके पैराग्राफ में दिया गया होगा, लुईस फिलिप को उन्होंने बनाया। इसके बाद लुईस फिलिप एट द हेड। इसके बारे में, फ्रांस के बारे में, जब हमने कहा कि पहले भी रेवोल्यूशन फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, दोबारा भी रेवोल्यूशन आपका फ्रांस से स्टार्ट हुआ, तो इसके बारे में ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, जो वियना कांग्रेस को जिन्होंने होस्ट किया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इन स्टेटमेंट को आप ध्यान रखना, क्योंकि एक ना एक स्टेटमेंट इस चैप्टर में से आता है। 1 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मार्क्स में हु सेड दिस, या किसने ये स्टेटमेंट को इंडिकेट किया है, या स्टेटमेंट उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हेन फ्रांस स्नीज, आप भी देखो लाइन में देखो, सेकंड पैराग्राफ में दिया होगा, व्हेन फ्रांस स्नीज रेस्ट ऑफ यूरोप फील कॉल्ड, अगर फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुखाम हो जाता है। इसका मतलब है कि फ्रांस उस समय सेंटर था सभी एक्टिविटीज का। अब आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड ए अपराइजिंग इन द ब्रसेल्स विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अगर हम बात करते हैं जो जुलाई का रेवोल्यूशन हुआ ब्रसेल्स, आज भी डेट में अभी आप देख सकते हैं बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, तो ब्रसेल्स में वो स्पार्क्ड हुआ, वो शुरू हो गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से बेल्जियम इंडिपेंडेंस हो गया। अब हमने कहा कि देखो पहले फ्रांस में हुआ, फिर बेल्जियम में हो गया, स्पार्क हो गया, किस प्रकार से ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा गया है। थर्ड टॉपिक में आप आ जाते हैं, ब्रसेल्स विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ब्रसेल्स जो था, जो कैपिटल ऑफ बेल्जियम थी, वहां पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। इस रेवोल्यूशन को देखने के बाद में उससे क्या हुआ, ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। उस समय वो नीदरलैंड के अंडर में था, तो उससे वो आपका इंडिपेंडेंस हो गया। अब इसके बाद में एक महन, ये जो एक अहम रेवोल्यूशन है, जो बोर्ड में भी कई प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रीटी भी होती है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी रेयर केसेस में 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको पैराग्राफ आगे पढ़ाने वाला हूँ। इस पैराग्राफ को गौर से पढ़िएगा, बहुत जरूरी है। An event that mobilized nationalist feeling among the educated allied across Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century.
हम ग्रीस की बात करते हैं, ग्रीक की, जो 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर जो कि उस समय मुस्लिम एम्पायर था उसके अंडर में काम कर रहा था। तो ग्रीक के लोगों में उनसे इंडिपेंडेंस होने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। उनके बाद आप थोड़ा सा देखते हैं, ग्रीस हैड पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर इन 15, द ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप इज पार्ट ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगन टू बी 1821। ये कब स्टार्ट हुआ? 1821 में। और आगे इसमें पैराग्राफ में दिया गया, जो ग्रीस के लोग वहां से बाहर निकाल दिए थे, उन लोगों जो एक्साइल में थे उनको देश निकाला दे दिया गया था, उन लोगों ने भी उनकी बाहर से मदद की। इवन दोज नॉट ओनली रेवोल्यूशनरीज की बात करें, इसके बाद में पोइट की बात करें, राइटर्स की बात करें, उन लोगों ने भी ग्रीस के बारे में एक इम्पोर्टेंट अहम भूमिका निभाई उस रेवोल्यूशन को लोगों में फ्लोराइज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए। उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि द इंग्लिश पोएट, इसकी बात करते हैं, वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर द एंशिएंट ग्रीक कल्चर पोएट एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज ए क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। अभी आपने तो देखा जब कभी कभी गवर्नमेंट जो है हमारा किसी एक डिसीजन लेना है तो उस पर कभी कभी हम लोगों से अपने ओपिनियन मांगते कि आप अपने ओपिनियन यस या नो में लिख कर भेजिएगा। इसी प्रकार के पोएट जो थे, राइटर्स थे, उन लोगों ने भी ग्रीक वार के लिए, जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर से अलग होना चाहते थे उसके लिए लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने अपना थोड़ा सा सपोर्ट जुटाया। किस प्रकार जुटाया? उन्होंने एक लोगों से क्या कहा, ग्रीस जो रोम की बात कर, ग्रीस की बात कर रहे हैं, ग्रीस जो है यूरोपियन कल्चर का एक पालना है, यानी कि वो उसको पालन करता संयोए हुए, यानी ग्रीस के कल्चर में यूरोप की संस्कृति निहित है, इसलिए हमें ग्रीस को सपोर्ट करना चाहिए टू गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुस्लिम एम्पायर। इस लाइन से आपको ये इंडिकेट मिलेगा। अब ऑब्वियसली है लोग उससे थोड़ा सा इंप्रेस तो होंगे और उसका सपोर्ट भी करेंगे। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, थोड़ा सा देखिएगा, एक पोएट का इसमें जिक्र दिया गया। इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पोएट पार्टिसिपेट इन द ग्रीस वार, विच पोएट पार्टिसिपेट इन ग्रीस वार, तो उसके बारे में आपका आंसर होगा द इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वार वेयर ही डाइड फ्रॉम फीवर इन 1824। अब यहां पे जो ब्रायन की बात करते हैं, ब्रायन ने ग्रीस के जो लोग वार लड़ रहे थे अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर उनके लिए लोगों से फंड, चंदा भी इकट्ठा किया। उसके बाद में चंदा इकट्ठा करने के साथ साथ में वो युद्ध में लड़ने के लिए भी गया, वहां पर वो घायल हो गया और उसको फीवर हुआ और 1824 में मारा भी गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेवोल्यूशनरीज के साथ साथ में आम लोगों ने भी उसकी इंडिपेंडेंस के लिए काम किया। और अल्टीमेटली एक ट्रीटी हुई ऑटोमन एम्पायर ग्रीस के लोगों के बीच में, उस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, और जिसके थ्रू ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंस नेशन, और ग्रीस एक इंडिपेंडेंस नेशन बन गया। तो यहां तक हमने आपकी दो चीजें पढ़ी हैं जो आपको हमने ऊपर बताया, एक ग्रीस वार के बारे में बताया आपको, दूसरा हमने बताया फ्रांस के उसमें बताया, तीसरा किस प्रकार से फ्रांस में मोनार्की को डिस्ट्रॉय करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी गई थी, वहां पे लुईस फिलिप को एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया था। इस अब आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, द रोमांटिक नेशनलिज्म इमेजिनेशन फीलिंग। तो दोनों चीज पढ़ने के बाद यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से बेल्जियम हो गया आपका, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ थी उसमें आपका ग्रीक इंडिपेंडेंस हो गया। अब तीसरी चीज आती है, आपने हमने कहा था इंडिया आजाद हुआ, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। रेवोल्यूशनरीज से दो प्रकार के लोग काम कर रहे थे, एक गरम दल के लोग काम कर रहे थे, एक नरम दल के लोग काम कर रहे थे। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहे थे, नेशन को स्वतंत्र कराने के लिए काम कर रहे थे। उसमें आम आदमी का भी रोल था, और सबसे ज्यादा रोल, अब कभी कभी किसी ने कहा जहां तलवार काम ना करे वहां आपकी कलम काम कर जाती है, इसी प्रकार से राइटर्स ने, पोएट्स ने भी बहुत सारे काम किए। तो इसी प्रकार से यूरोप में भी ये काम हुए। उसमें एक टॉपिक दिया गया है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट द, भाई कोई भी काम है रेवोल्यूशन की बात करें, देश को आजाद होना है,
उसमें एक ही व्यक्ति बोला ठीक है बंदूक के बल पर जीता जाए, लड़ाई झगड़े किए जाए, धरना दिए जाए, इसी के बेस पर नेशनलिज्म आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोगों का पार्टिसिपेट होता है इसमें। तो पोएट ऑफ कवियों ने भी इसमें बहुत सारा पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोग जो फिलोसफर थे उनकी भी अपनी सोच थी, जैसे हमने भारत माता बनाई है, बहुत सारे रोल इसमें काम करेंगे। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम काम करते हैं। पहले आप देखेंगे इसमें, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, लड़ाई और अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का अलावा भी बहुत सारे काम हुए, ये इसमें सबसे पहले देखेंगे। कल्चर प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल, कल्चर प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, जो संस्कृति थी उसने भी नेशन को बिल्ड करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे अब आपके इस बारे में देखें, आर्ट एंड पोएट्री, कला और कविता, स्टोरीज कहानियां और किस्से, एंड म्यूजिक और आपका म्यूजिक एक्सपेक्ट सेप नेशनलिस्ट फीलिंग, इन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग का आकार दिया, उसको गढ़ा, उसका आकार सेव करने में मदद की। अब सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पे, इसमें एक डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, प्रीवियस ईयर्स में भी काफी बार पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया, वन मार्क्स में भी, थ्री मार्क्स में भी पूछा गया, पिछले वर्ष भी पूछा गया था, व्हाट इज रोमांटिज्म, व्हाट इज रोमांटिज्म, रोमांटिज्म क्या है, रोमांटिज्म इज ए कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिज्म इज ए कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है, एक सांस्कृतिक मूवमेंट है। इसके थ्रू जो भी पोएट हैं, आर्टिस्ट हैं, वो अपनी इमेजिनेशन, कल्पना, ख्यालों को एक्सप्रेस करते हैं। दे अपोज द रीजन एंड साइंस, रीजन एंड साइंस, वे तर्क वितर्क और विज्ञान की जो परिकल्पना है, विज्ञान के जो तथ्य हैं, उनको नकारते हैं। वो क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे, पेज पर आ जाइए। एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशन, तर्क वितर्क और साइंस के अलावा किस पे करते हैं, भावनाओं को फोकस करते हैं, भावनाओं को फिर से करते हैं। इंस्टीट्यूशन एंड मास्टिकल फीलिंग्स, अंतर्दृष्टि, यानी कि अंतर से जो उनके आता है, बनी ये बात गलत है या सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बेस पर करते हैं। दूसरा मैस्टिकल फीलिंग, यानी कि रहस्य में जो भावनाएं होती, यानी कि रहस्यवादी जो भावनाएं होती हैं, उनके बेस पर वो चाहते हैं कि इसके बेस पर नेशन का बिल्डअप होना चाहिए। देयर एफर्ट टू बी क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, उनकी सोच क्या थी, तो नेशन स्टेट बने, कैसे बने, उन लोगों से बने जो एक ही प्रकार की विरासत को साझा करता हो, ए कॉमन कल्चर पास्ट, और उनका जो पास्ट में कॉमन कल्चर रहा हो, ना कि डिफरेंट रहा, एज द बेसिस ऑफ द नेशन, ये जो नेशन का बेस होना चाहिए, इसके बेस पर नेशन बनने चाहिए। दूसरी चीज बात करते हैं, अभी हमने बात की, अब जर्मनी के बारे में बात करेंगे। जर्मनी में एक फिलोसफर थे, मनोवैज्ञानिक समझिएगा आप उसको, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर 1744-1804 क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, दास वर्क, यहां पे क्या दिया गया है आपका, दास वर्क, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपका बोर्ड में भी, वहां पर जर्मन फिलोसफर ने क्या कहा था कि जर्मनी का जो कल्चर है, जर्मनी की जो संस्कृति है, वो वहां के कॉमन प्यूपिल्स में है, जिन्हें वहां पर जर्मन में दास वोल्क के नाम से जाना, कभी कभी क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता वन मार्क्स में, व्हाट यू मीन दास वोल्क, व्हाट यू मीन दास वोल्क, तो दास वोल्क में हमारा कल्चर निहित है, यानी कॉमन प्यूपिल में हमारा कल्चर निहित है। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, दास वोल्क, इट वॉज थ्रू फोल्क सॉन्ग्स, फॉर पोएट्री एंड फॉर डांसिस एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, वॉल्ट्स जेम्स वाज पॉपुलराइज, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से, उन्होंने कहा कि जो लोक संगीत है, गीत है, डांसिस है, ये सारे जो हैं वहां के लोगों में निहित हैं, और इट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, जिसे वॉल्ट जेम्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वॉल्ट जेम्स कभी कभी आता है, द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन इज डैश कर दिया आगे, तो उसमें आप लिखेंगे वॉल्क जेम्स वाज पॉपुलराइज, तो ये लोगों में पॉपुलराइज हुआ, यानी कि जो लोक गीत होते हैं, जो हमारे यहाँ के लोकल गीत होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोल्क कल्चर वाज इसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग, इन्हीं के बेस पर हमें नेशन का बिल्डअप करना चाहिए।
दे इम्प्रेसाइज। अब उन्होंने क्या किया, अगर लोकल की बात कर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी उन्होंने उत्साह, बट ठीक है लोकल लैंग्वेज बोलनी जानी चाहिए उसी को, मतलब जो जर्मन लैंग्वेज है वही आप बोले, एंड द कलेक्शन ऑफ द लोकल फोकलोर। और उन्होंने कहा कि जो भी हमारा जो लोकल में जो भी साहित्य है उसका कलेक्शन करना चाहिए, कलेक्शन करेंगे उसको लिखेंगे लोगों को बताएंगे हमारी संस्कृति ये है, तो लोगों में एक कॉमन सेंस या कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट होगी। इसके बारे में दो भाइयों का आपका ब्लॉग दिया गया है, साइड में एक ब्लॉग दिया हुआ है, इसमें ग्रीन्स ब्रोथ है 1785 और 1786 में इनका जन्म हुआ है, दोनों ही ला के स्टूडेंट थे। उन लोगों को ये शौक था, शौकिया तौर पर वो शुरू में गांव गांव जाते थे, लोगों से कहानियां सुनते थे, किस्से सुनते थे, उसके बाद उनको वो प्रिंट किए करते थे। पहली बार उन्होंने प्रिंटिंग 1812 में की थी, उसके बाद उन्होंने 33 वॉल्यूम डिक्टरी ऑन द जर्मन लैंग्वेज, डिक्शनरी लैंग्वेज भी जो जर्मनी की थी उस पर एक डिक्शनरी बनाई, वो भी उन्होंने प्रिंट की। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने काम किया जो कल्चर मूवमेंट के अंदर की बात कर रहे हैं, जर्मनी की भी बात कर रहे हैं, इसके बाद हम एक और लेंगे, उसके बाद फिर तीसरा टॉपिक आपका आ जाएगा। हाँ, इट वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ द पोलैंड। अब ये जो मैसेज था जो स्पीड जा रहा था, वर्नाकुलर लैंग्वेज कलेक्शन चल रहा था, अब हम बात करते हैं इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कहां का, पोलैंड का लेते हैं। वियना कांग्रेस के बाद 1815 के बाद पोलैंड को जो वहां की पावरफुल कंट्रीज थी उन लोगों ने आपस में बैठ लिया था, जैसे हमने कहा था बर्ग, हमने क्या लिखा था आपका बर्ग, तो इसमें तीन कंट्रीज ने इनको आपस में बांट दिया था, पोलैंड का नामो निशान मिट गया था 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव थे। तो पोलैंड के लोगों में किस प्रकार से कहां का किसके अंडर में काम किया था, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया तीनों ने पोलैंड को बांट लिया था। इवन तो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी, उसकी कोई इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थी। नेशनल फीलिंग वर कैप लाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, उसकी कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन टेरिटरी नहीं थी, लेकिन फिर भी पोलैंड के लोगों ने अपनी नेशनल लैंग्वेज को नहीं छोड़ा। अब वो किस तरीके से उसको लाइव रखा अभी हम ये बता रहे हैं, हम रोमांटिज्म की बात कर रहे हैं, हम रोमानीवाद की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों ने एक विरोध का जरिया बनाया म्यूजिक को और फोकलोर्स को, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात की इन्होंने, नेशनल फीलिंग वर कैप्ट थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज, कैरोल कुर्स्पिंस्की उसका अपना एक ओपरा था, ओपरा के थ्रू वो वहां के जो लोक डांसेस थे, जो लोक गीत थे उनको उन्होंने जिंदा रखा एक नेशनलिस्ट की फीलिंग क्रिएट करने के लिए। उसमें दो डांसेस बहुत महत्वपूर्ण थे, उसमें था पोलोनेज एंड द मजूर का, पोलोनेज एंड मजूर का, और लास्ट में ये जो मोदोनेज और मजूर का थे ये एक नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में वो अमर हुए। अब आगे देखते हैं, पोलैंड की ही बात कर रहे हैं, पोलैंड को पहले ले लेते हैं। पोलैंड का जो पार्ट रशिया के अंडर में था, हमने कहा था पोलैंड को बांट दिया था तीनों कंट्रीज ने, जो रशिया के अंडर में पार्ट था, पोलैंड की बात करते हैं, जो पार्ट रशिया के अंडर में था, पोलैंड के लोगों ने लैंग्वेज के बेसिस पर किस प्रकार से उनका अपोज किया, रशिया के लोगों ने पोलैंड वासियों पर अपनी लैंग्वेज को जबरदस्ती थोपना शुरू कर दिया, जबरदस्ती उनको जो उनकी जो पोलिस लैंग्वेज थी उनको कहा कि आप पोलिस लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, इवन दो स्कूल में भी उन्होंने पोलिस लैंग्वेज को हटाकर रशियन लैंग्वेज को लागू कर दिया। लेकिन इसका विरोध कैसे किया गया ये हम आपको बताते हैं। रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। इन 1831 ए आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विद इन पोलैंड, बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ द नेशनल रेजिस्टेंस। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ जिसमें रशियन लैंग्वेज के खिलाफ पोलिस लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में यूज किया गया। बोला क्यों हम पर जबरदस्ती आप रशियन लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, हमें अपनी पोलिस लैंग्वेज में काम करने दीजिए। तो एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ। पोलिस वॉज यूज फॉर द चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जो पोलिस लैंग्वेज थी वहां पर चर्च में भी बहुत सारी जो गैदरिंग होती थी और जो धर्म के जो चर्च में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था उसके बारे में भी वो पोलिस लैंग्वेज में भी दिए जाने लगा। इसको रशियन एडमिनिस्ट्रेशन, रशियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इट्स अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अवर गवर्नमेंट,
ये रेसिस्टेंस है हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ में, इसलिए उन्होंने बहुत सारे पैरिश और बिशप को जेल में भेज दिया गया। जब पैरिश और बिशप को जेल में भेज दिया गया तो आप देख सकते हैं कि जो अभी एज ए पनिशमेंट भेजा गया, द यूज ऑफ द पोलिस केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो इस प्रकार से पोलिस लैंग्वेज को रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक सिंबल के रूप में देखा जाने लगा। तो ये यहां आज तक के टॉपिक थे। इसमें एक पिक्चर है जो हम आपको थोड़ा सा रोमांटिस के बारे में बता रहे हैं। रोमांटिस अभी देखो, पहले हमने पढ़ा था फेडरिक सरयू, फेडरिक सरयू पढ़ा था, उसके बाद में वो भी एक पेंटर था, फ्रेंच आर्टिस्ट था। यहां पर एक रोमांटिस फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसका नाम था यूजेन डालोकोवा। डालोकोवा 1824 में एक पिक्चर बनाई है, रोमांटिस की पिक्चर बनाई है। यहां पर उन्होंने दिखाया कैसे ग्रीस के लोगों को, ग्रीक के लोगों को, जो 20,000 ग्रीक के लोगों, उसमें वोमेन बच्चे और सभी प्रकार के लोग थे, उनको किस प्रकार से एक आइलैंड है, कियोस आइलैंड है, उस पर ले जा करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। उनकी यहां पर जो है वाइल्ड कलर से, यानी कि एक ज्यादा चटक कलर से उनको दिखाया गया है, और लोगों से जो स्पेक्टेटर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको उनके प्रति सिंपैथी दिखाने के लिए एक प्रकार से ये पेंटिंग पेश की गई है। तो आप देख सकते हैं रोमांटिज्म का कितना बड़ा इसमें रोल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको कल, डेली रेगुलर रहेगा ये आपके लिए, तो आप इसे बुक को साथ में खोलकर रखें और इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, वो आपको पीडीएफ के थ्रू पीछे भेज जाएगा। आप उसको एज ए असाइनमेंट अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।